हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एप्पल फेसिस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया ओवर एप्स इशू तो चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक एन एंटी ट्रस्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट एप्पल ट पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी तो देखिये ये लिबरलाइजेशन जो हमने किया था नाइनटीन नाइनटी वन में और अभी भी हम लिबरलाइज करते जा रहे हैं इसके ये इम्पैक्ट है जहां पे एक एंटी ट्रस्ट केस एप्पल के खिलाफ की गई है कि वो अपने मार्केट पोजिशन का अब्यूज कर रहा है कैसे वो देखते हैं Apple is instituting policies that forces developers to use its proprietary in-app purchase system. देखिए Apple force कर रहा है जो भी develop करते हैं या जो customers भी हैं कि हमारे ही application आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक monopoly बना रखी है तो developer के पास आ, कोई option नहीं है लेकिन उनका ही app उनके ही applications आपको उनके phone में develop करने पड़ते हैं या, या include करने पड़ते हैं. This allegation is similar to what Apple faced in the European Union

एप्लीकेशन भी उनके इस्तेमाल करने और वही एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए उसका कंटेंट आपको एक्सेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग से थर्टी परसेंट फी फी भी भरनी पड़ेगी अरे भाई क्या छल क्या रहा है सच पॉलिसीज हर्ट द डोमेस्टिक कंपनीज देखिए जो डोमेस्टिक के लिए जो कंपनीज uh, के जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं उनको बहुत नुकसान होता है क्योंकि एप्पल एक ऐसी ब्रांड है कि जिसके साथ छोटी मोटी कंपनी uh, नहीं उनके साथ नहीं फाइट कर सकती बिकॉज एप्पल इज अ ह्यूज कॉरपोरेशन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ठीक है तो कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया केस एंड कुड ऑर्डर इट्स इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन आर्म टू कंडक्ट वाइडर प्रूफ और डिसमिस इट ऑल टूगेदर इफ इट फाइंड नो इट तो देखिए जो हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है सी जिसको कहा जाता है वो ये केस इन्वेस्टिगेट करेगा और इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको कुछ दिखता है तो डेफिनेटली वो फाइन लगाएंगे बट अदरवाइज पूरी की पूरी केस बंद कर देंगे <coughs> नहीं किया हुआ है इसके लिए ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पता है रिसेंटलीरिया पार्लियामेंट दिस वीक अप्रूव अ बिल दैट बैंड मेजर एप स्टोर ऑपरेटर्स लाइक अल्फाबेट इंकॉपरेशन गूगल एंड एप्पल फ्रॉम फोर्सिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू यूज देयर पेमेंट सिस्टम क्लियर साउथ कोरिया ने एक बिल बना दिया है लॉ बना दिया है कि भाई आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो कि भाई अपने ही पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करो दूसरे सिस्टम मत करो तो so जस्टिफिकेशन क्या दिया है कि द फीज लिविड देम कवर्स द सिक्योरिटी एंड मार्केटिंग बेनिफिट्स तो अगर आप हमारा पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करोगे तो आपको हम सिक्योरिटी देंगे और आपको हमारे पेमेंट सिस्टम से मार्केटिंग का भी बेनिफिट आपको मिलेगा तो कंपनियों का भी सही है कि देखिए कस्टमर को भी सिक्योरिटी चाहिए तो वो बोल रहे हैं अगर हम सिक्योरिटी दे रहे हो तो हमको आप फी पे कीजिए अभी इज कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन टू अर पेमेंट सिस्टम कंसर्निंग गूगल गूगल के रिलेटेड ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी अदर क्या क्या सिग्निफिकेंट चार्जेस हैं एप्पल के खिलाफ रिस्ट्रिक्शन ऑन डेवलपर्स टू यूज डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम विच ऑफर सर्विस रेट्स ऑफ वन टू फाइव परसेंट तो आप डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम जैसे रुपी है फॉर एग्जाम्पल हमारा रूपी जो है वो डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है करेंसी नहीं रुपे सॉरी नॉट रुपी रुपे आर यू पी ए आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे आप वीजा होता है मास्टर कार्ड होता है वैसे रुपे करके होता है तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो बहुत कम रेट लगाते हैं उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन डेवलपर ऑन इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स ऑफ अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम आप कस्टमर को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते कैसे अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है एप्पल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा

देखिए मोनोपोली नहीं कर सकते जैसे एप्पल अपना मार्केट पोजीशन मिसयूज कर रहा है आप नहीं कर सकते आप कंपटीशन को खत्म नहीं कर सकते कंपटीशन होनी चाहिए कस्टमर के पास चॉइस होनी चाहिए ओके ही शुड हैव चॉइस टू सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमीशन का टू प्रिवेंट प्रैक्टिस एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन टू प्रोमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड फंक्शन क्या क्या है It is the duty of the commission to eliminate practices having adverse effect on competition, promoting and sustaining competition, protect the interest of consumers, ensure freedom of trade in the markets of India. So, those objectives or functions similar hai.

हम अलाउ नहीं करेंगे अगर अलाउ करना है तो आपको सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे तो अगर आपको जी एस बैच लगानी है ऑफलाइन सोशोलॉजी अगर ऑफलाइन बैच लगानी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पुणे में स्टार्ट करेंगे हम सोशोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो और हर संडे हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे और इसमें हम जो बच्चे इस साल की प्रोबलेम्स प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल के लिए ट्वेंटी uh, ट्वेंटी के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बैच तो मस्ट है हम बहुत ही रिजनेबल फी है मंथली फी है आप डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड ये सारी बैचेस हम ऑनलाइन भी साइमल्टेनियसली कंडक्ट करेंगे तो आप अगर पुणे में नहीं आ सकते तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन भी ये बैच अटेंड कर सकते हो सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो गाइज टिल नेक्स्ट वीडियो आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट थैंक यू subscribe the channel and press the bell icon never miss an update from aditya